राजधानी भोपाल में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। वीडी शर्मा ने कहा कि अंबेडकर के सूत्रों ने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उन विचारों को जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिए, और मैं गंभीरता के साथ कहूं तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान निर्माण के साथ जो सूत्र हमें दिया, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों ने इस भारत को एक सामाजिक समरसता के साथ, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का अगर काम किसी ने किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर निभाई। आज हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाते हुए संपूर्ण भारत के अंदर इन विचारों को और नीचे तक जमीन पर लोगों के बीच ले जाने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। हमारा संकल्प है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और 16 तारीख को, 16 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर के अंदर आयोजित कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और हम सभी समाज बंधुओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के महाकुंभ को सफलतापूर्वक हम ऐतिहासिक बनाए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। निश्चित ही मैं पूरे जिस तरह से उन्होंने संविधान को रचा है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भोपाल की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में बधाई।